आज संक्रांति का पहला दिन है, यानी 14 जनवरी। 14 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक गोशामेल विधानसभा के अलावा पूरे तेलंगाना में धूमधाम से ये संक्रांति फेस्टिवल मनाया जाता है। जैसे कुछ कुछ एरियो में अलग अलग ढंग से संक्रांति उत्सव मनाया जाता है, जैसे कुछ क्षेत्र में पोंगल के नाम पर मनाया जाता है, कुछ मिठाई बनाकर पारिवारिक में बांटा जाता है। लेकिन मेरी गोशामेल विधानसभा में दिन हो या रात हो, पतंग उड़ाकर, पतंग लड़ाकर उत्सव मनाया जाता है। अभी देखिए, हम सवेरे से बहुत सारे कार्यकर्ताओं के मकान में जाकर उनसे मिल रहे हैं, उनको शुभकामना दे रहे हैं। सवेरे से ही पतंग उड़ना लड़ना प्रारंभ हो चुका है और अभी देखिए रात हो चुकी है। रात में भी लाइट लगाकर बहुत ही सुंदर तरीके से पतंग उत्सव का कार्यक्रम मनाया जा रहा है और ये कार्यक्रम रात के 2-3 बजे रात तक बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से पतंग उत्सव कार्यक्रम होता है। पिछले कई वर्षों से हमारे पारस यादव जी के मकान पर आकर सभी कार्यकर्ताओं से मिलजुल कर ये उत्सव का कार्यक्रम में हम सम्मिलित होते हैं और जो बेगम बाज़ार क्षेत्र का जो माहौल है, जैसे हर घर पर आप देख सकते हैं लाइट, और लाइट लगाकर, डीजे लगाकर, साउंड लगाकर परिवार के सहित, बच्चों सहित, बड़े छोटे सब लोग मिलकर पतंग उड़ाते हैं और पतंग उत्सव मनाते हैं। ये देखने के लिए सिर्फ बेगम बाज़ार क्षेत्र, गोशामेल विधानसभा क्षेत्र ही आपको अच्छे से दिखता है। मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा, 14 से लेकर 17 तारीख तक बहुत ही अच्छा माहौल बेगम बाज़ार गोशामेल विधानसभा में देखने को मिलता है। एक बार सब लोग आइए और इस उत्सव को देखिए और इसमें सम्मिलित होने के लिए मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ। धन्यवाद। अभी आज से पतंग उत्सव प्रारंभ हुआ। जितने भी जो तेलंगाना में जो पतंग सप्लाई होता है वो मंगलाट धुलपेट क्षेत्र से सप्लाई होता है। सिर्फ पतंग के अलावा गणेश महाराज की बहुत ही खूबसूरत प्रतिमाएं बनती हैं धुलपेट मंगलाट क्षेत्र में ही, और पूरे तेलंगाना नहीं, कईयों राज्यों में यहाँ से गणेश भी सप्लाई होता है। अगर राखी फेस्टिवल आया तो राखी भी बनाकर पूरे राज्यों में भी सप्लाई किया जाता है। यानी गोशामेल विधानसभा में कला का भंडार है। जो कला आप चाहेंगे वो कला आपको हमारी विधानसभा में, हमारे धुलपेट क्षेत्र में मिलेगी।